आज हम सिर्फ दो मीटर कपड़े में से ट्रेंड में चल रही बटन वाली अफग़ानी सलवार बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों आर आर फैशन पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें अब सलवार की कटिंग के लिए पहले इस तरीके से कपड़े को पूरा लंबाई में फ़ोल्ड करें और उसके बाद इसे चौड़ाई में फोल्ड करना है जो खुली हुई साइड है देखिए वो मैंने अपनी तरफ रखी है और दोस्तों हमारे यहाँ से फैब्रिक कलेक्शन परचेज़ करने के लिए स्क्रीन पर दिखाया गया नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें अब कटिंग करने के लिए देखिए क्या बातें ध्यान देनी है थर्टी एट हमें तैयार लंबाई चाहिए उसमें हम दो इंच माइनस करेंगे एक इंच बेल्ट का एक इंच मोरी का उसमें हमें एक इंच सिलाई का ऐड करके इस तरीके से थर्टी सेवन इंच लंबा यहाँ से कपड़ा पहले अलग करना है अब यहाँ पर हम थर्टी सेवन इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लें दोस्तों देखिए अक्सर मुझे कमेंट में आता है कि अफ़ग़ानी सलवार की लंबाई कितनी होनी चाहिए अब देखिए जो आप सिंपल सलवार की लंबाई रखते हैं अफ़ग़ानी सलवार उससे करीब दो इंच छोटी करें तभी अफ़ग़ानी सलवार का जो लुक है वो अच्छे से आएगा अब देखिए यहाँ पर जो मोरी है उसको हमें चौड़ा रखना है क्योंकि हम यहाँ पर गैदर्स बनाएंगे तो ये मैंने बारह इंच पे निशान लगाया है अब ये मैं मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ मीडियम साइज में यहाँ पर जो क्रॉच की लंबाई है वो तेरह इंच रहेगी तो एक इंच ऊपर बेल्ट का आएगा बारह इंच पे मैंने ये निशान लगाया है इसको ढाई इंच अंदर की तरफ ले लें ये क्रॉच की चौड़ाई रहेगी इस तरीके से तेरह इंच लंबी और ढाई इंच चौड़ी मैंने क्रॉच बनाई है अब क्रॉच से लेके मोरी तक हम इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे ये सलवार के लिए मार्किंग हो चुकी है अब हम इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे सलवार की कटिंग हो चुकी है अब साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है देखिए ये जो सीधी पट्टी है पहले इसको बिल्कुल सीधा कट कर लें ये हम मोरी में काम लाएंगे अब देखिए बाकी उसके बाद जो कपड़ा बचा है ये भी दो हिस्सों में हैं इसमें से एक हिस्सा हम ऊपर बेल्ट और इलास्टिक में काम लाएंगे। और बाकी जो एक हिस्सा है इसमें से हम पॉकेट कट करेंगे पॉकेट मैंने ये तेरह इंच लंबी और सात इंच चौड़ी कट कर ली है अब हम अफ़गानी सलवार की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमें पॉकेट को तैयार करना है देखिए पॉकेट की मैंने इस तरीके से दो हिस्सों में कटिंग कर ली है अब देखिए यहाँ पर मैं राइट साइड में पॉकेट लगाऊंगी तो इसके लिए पहले दो इंच छोड़ना है और उसके बाद इस तरीके से छः इंच लंबा और आधा इंच चौड़ा इस तरीके से पॉकेट ओपन का निशान लगा दें इसके नीचे हम पॉकेट वाले कपड़े को इस तरीके से सेट करेंगे और जो मैंने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है पॉकेट की कटिंग कैसे करते हैं उसका भी मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब देखिए सिलाई लगाने के बाद दोनों कोनों पर इस तरीके से कट लगाएं और इस पॉकेट वाले कपड़े को पीछे की तरफ घुमा दें ये पॉकेट का ओपन वाला हिस्सा है अब इसको एक बार अच्छे से आयरन करके और इसके ऊपर सिलाई लगा दें तो ये कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा अब देखिए पॉकेट का जो दूसरा हिस्सा है उसको हमें इस तरीके से आमने सामने रखना है और अंदर की तरफ से सिलाई लगाकर पॉकेट को तैयार करना है जिस शेप में हमने पॉकेट की कटिंग की है उसी सेम शेप में हमें यहाँ पर पूरे में सिलाई लगानी है सिलाई लगाने के बाद इस पॉकेट को इस तरीके से सीधा कर लें देखिए ये पॉकेट हमारा यहाँ तैयार हो चुका है जब हम बैक साइड वाला पैनल इसके साथ जोड़ेंगे तो ये एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा अब देखिए फ्रंट के लिए दूसरा पैनल उठाएं दोनों को आमने सामने रख कर क्रॉच लाइन से स्टिच करके इसको तैयार करें देखिए ये हमारा फ्रंट है अब यहाँ पर हमें बेल्ट लगाना है बेल्ट के लिए मैंने तीन इंच लंबी पट्टी ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमें कमर के हिसाब से रखनी है कमर की यहाँ पर जो फुल साइज़ है वो छत्तीस इंच है तो यहाँ पर मैंने ये बाईस इंच की लंबी पट्टी ली है कमर का आधा हिस्सा और उसमें दो इंच एक्स्ट्रा अब देखिए बीच वाला हिस्सा छोड़ कर इस तरीके से दोनों तरफ सिलाई लगा लें बीच वाला हिस्सा मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर हम आगे नाड़ा भी डालेंगे अब नाड़े के लिए मैंने ये पतली डोरी तैयार कर रखी है आप देखिए इस तरीके से नाड़े को इस होल में से पास कर लें और यहाँ पर एक नॉट लगा दें तो ये यह यहाँ पर एकदम फिक्स हो जाएगा अब बेल्ट के दोनों तरफ नाड़े को इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा कर और फिक्स कर लें तो बेल्ट लगाने के टाइम आपको आसानी होगी बेल्ट को हमने इस तरीके से तैयार किया है अब देखिए जो हमारा फ्रंट पैनल है उसका जो क्रॉच वाला हिस्सा है और ये जो नाड़े वाला हिस्सा है उन दोनों को एक जगह पर इस तरीके से आमने सामने मिलाएं और इसे पिनअप कर लें अब हम बेल्ट लगाना स्टार्ट करेंगे देखिए बीच में जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है यहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उतनी प्लेट्स बना लें सामने वाली साइड भी हम सेम इसी तरीके से प्लेट्स बनाएंगे और पूरे में इस बेल्ट को लगा देंगे अब हमें इस बेल्ट को आगे की तरफ घुमाना है ऊपर से इस तरीके से फ़ोल्ड करके और करीब एक इंच चौड़ा यहाँ पर बेल्ट बनाएं। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके और किनारी पर सिलाई करते जाएं और बेल्ट को तैयार करें फ्रंट में हमने पॉकेट भी बना लिया है बेल्ट भी लगा दिया है अब हम बैक पैनल को तैयार करेंगे बैक पैनल के लिए भी दोनों पैनल्स को आमने सामने रखना है और दोनों को क्रॉच लाइन से जोड़ना है यहाँ क्रॉच पर सिलाई लगाकर और दोनों को जोड़ दें आप देखिए यहाँ पर भी इलास्टिक के लिए पहले मैं इस तरीके से पट्टी लगाऊंगी। यहाँ भी मैंने दोनों तरफ प्लेट्स बनाई हैं अब फ्रंट पैनल और बैक को आमने सामने रखें और देखिए ऊपर से जो बैक पैनल वाला कपड़ा है वो एक्स्ट्रा आएगा उसको आगे की तरफ घुमाना है और उसके बाद पूरे लंबाई में यहाँ पर सिलाई लगानी है देखिए यहाँ पर हम बटन्स वाला पैटर्न बना रहे हैं तो दो इंच तक छोड़ के इस तरीके से सिलाई लगाएं। अब यहाँ जो हमने दो इंच छोड़ा है उस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके और एक बार सिलाई लगाएं और इस कट को तैयार करें अफगानी सलवार की जो मोरी पर ये साइड कट है दोनों तरफ हमें इस तरीके से तैयार करना है साइड कट तैयार होने के बाद अब हम यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे। देखिए हमने यहाँ बैक में जो पट्टी लगाई है उसको इस तरीके से पीछे की तरफ घुमा दें अब यहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे यहाँ इलास्टिक मैंने साढ़े तेरह इंच लिया है अब इस इलास्टिक को हम अंदर की तरफ इस तरीके से सेट करेंगे अब यहाँ सिलाई लगाकर पहले से यहाँ फिक्स कर लें और उसके बाद कपड़े पर सिलाई लगाना स्टार्ट करें अब देखिए जैसे हम इलास्टिक लगाते हैं वैसे सेम उसी तरीके से ही हमें यहाँ पर इलास्टिक लगाना है किनारी पर सिलाई करते जाएं इलास्टिक को खींच के सामने वाली साइड ले आए और यहाँ पर फिर से लंबाई में सिलाई करके और इसे यहाँ फिक्स कर लें अब कपड़े को इस तरीके से खींच के पूरे में इक्वल कर लें ये इलास्टिक और बेल्ट हमने तैयार कर लिया है यहाँ एक और सिलाई लगा कर यहाँ इलास्टिक को अच्छे से फिक्स करें अब मोरी तैयार करने से पहले हमें यहाँ इस सलवार के जो साइड है वो बंद करने हैं मोरी का जो साइड होता है वो हमें बंद करना है पूरा वी शेप में सिलाई लगा कर हमने इसे बंद कर लिया है अब हम मोरी को तैयार करेंगे देखिए यहाँ पहले पूरे में गैदर्स बना लें जैसे अफगानी सलवार में हम बनाते हैं सेम उसी तरीके से ही हमें इस अफग़ानी सलवार में भी गैदर्स बनाने हैं आप यहाँ पर प्लेट्स भी बना सकते हैं देखिए गैदर्स या प्लेट्स हमें इतनी ही बनानी है जितनी तैयार मोरी हमें चाहिए अब यहाँ पर जो तैयार मोरी है वो मुझे साढ़े छः इंच चाहिए तो देखिए फोल्ड करने के बाद ये साढ़े छः इंच होना चाहिए अगर साढ़े छः इंच से कम हो तो आपको थोड़े गैदर्स खोलने पड़ेंगे अगर ज़्यादा है तो गैदर्स डालने पड़ेंगे अब देखिए इसको मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है अब ये मैंने मोरी के लिए जो पट्टी ली है उसकी जो लंबाई है वो करीब साढ़े तीन इंच है और जो चौड़ाई है वो सोलह इंच है इस पूरी पट्टी पर मैंने पेस्टिंग पेपर लगा दिया है अब देखिए बटन वाला पैटर्न बनाने के लिए एक साइड यहाँ पर हमें मोरी पर इस पट्टी को एक इंच एक्स्ट्रा रखना है तो ये जो एक इंच एक्स्ट्रा है वो मैं फ्रंट वाले साइड रखूंगी जैसे ये घूम कर बैक साइड में आए अब देखिए यहां पर हम दोनों को जोड़ेंगे सलवार की जो मोरी है और जो ये हमने पट्टी ली है दोनों को आपस में सिलाई लगाकर जोड़ते जाएं। अब देखिए एक साइड मैंने यहां पर पट्टी को एक्स्ट्रा रखा है पूरे में ये गोलाई में लगाने के बाद अब देखिए यहाँ से भी इसको फोल्ड कर लें और नीचे से भी इस तरीके से फोल्ड करके एक बड़ी सिलाई लगा दें वो बड़ी सिलाई हम बाद में खोल देंगे इस तरीके से बड़ी सिलाई लगाने से आपको जो मोरी की सिलाई है जो ऊपर से हमें लगानी है वो लगाने में आसानी होगी अब हम यहाँ पर किनारी पर सिलाई लगाएंगे। इस मोरी को हमें सिर्फ एक इंच ही चौड़ा रखना है अब देखिए दूसरी साइड जब हमने एक्स्ट्रा रखा है उसको इस तरीके से करीब आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर लें और सिलाई को कंटिन्यू रखें अफगानी सलवार का ये डिज़ाइन अभी काफ़ी ट्रेंड में है आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें अब देखिए जिस साइड हमने एक्स्ट्रा पट्टी रखी है उसको सामने वाली साइड इस तरीके से ओवरलैप कर लें और यहाँ पर हम बटन्स लगाएंगे आप बटन्स बटन होल के साथ भी बना सकते हैं और यहाँ इस तरीके से डायरेक्ट भी बटन को फिक्स कर सकते हैं सारे स्टेप्स फॉलो करके आप आसानी से ये अफ़ग़ानी सलवार डिज़ाइन घर पर बना सकते हैं आपको मेरा ये सलवार डिज़ाइन कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो